सभी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस पर श्वास लेंगे, करेंगे एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण। ओम सब मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस बार जेआरएफ की परीक्षा जरूर उत्तीर्ण करूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योग का पताका फहराऊंगी, मेरी संकल्प शक्ति सदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम 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 मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम 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 मेरे पास अजय मनोबल है। ओम 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 शांति शांति शांति। ठीक है, तो कल जो पढ़ाया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, आप बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जनरल इंट्रोडक्शन बताइए। कल कर की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट थे? अच्छा, कल कोई प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए विटामिन बी वन का इंट्रोडक्शन, उनका एक और जो दूसरा नाम है वो। निशु चौहान जी माइक ओपन कीजिए, कल आप क्लास में प्रेजेंट थे, मैंने आपको देखा था। तो विटामिन बी वन का जो दूसरा नाम है साइंटिफिक नेम वो बताइए। दो तीन लोग के चैट बॉक्स में आंसर आ गए, थाइमिन राधिका जी और सनाती जी। राधिका जी थाइमिन की स्पेलिंग ऐसे होती है, ठीक है, जो महेश्वरिया जी ने लिखी है वैसे। अच्छा, और इसका फंक्शन क्या होता है, विटामिन बी वन का फंक्शन? दूसरी डायरी अब नहीं जाऊंगा। किसी को विटामिन बी वन का फंक्शन याद नहीं? बेरी बेरी रोग जो है वो तो उसका डेफिशिएंसी है, मैं फंक्शन पूछ रही हूँ। मैम मैम भूख पे वो जल में घुलनशील होता है वही है ना मैम? क्या क्या क्या? हाँ, विटामिन बी वन जल में घुलनशील होता है, पर वो उसका फंक्शन नहीं है, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा मैम, भूख प्यास की कमी हो जाती है ना? एक बार देखते हैं। विटामिन बी वन का जो फंक्शन है वो मैंने आप लोग को बताया था कि वो कोएंजाइम के रूप में हेल्पफुल होता है ग्लूकोज के जो मेटाबॉलिज्म में, और ये एनर्जी अवेलेबल करवाता है नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए। और उसके अलावा भी मैंने आप लोग को तीन चीज और बताई थी कि ये हमारे बॉडी में तीन जो सिस्टम्स होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हेल्पफुल होता है। ठीक, दीप्ति जी ने सही लिखा। ठीक है, फिर उसके अलावा अब डिजीज तो शायद राधिका जी ने बता दिया है। ठीक है, विटामिन बी टू के बारे में बताएंगे। विटामिन बी टू के बारे में आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मैं 1 मिनट में अपनी डायरी लेके आती हूँ। विटामिन बी टू
राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये तो राधिका जी, कल की क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं थे मैडम, लेकिन याद नहीं आ रहा, अभी लिखा नहीं ना। ठीक तो सब लिखना है, ठीक है। दो से तीन, तीन रिप्लाई से ज्यादा किसी के अभी तक नहीं आ रहे। अब इसका कोई फंक्शन बताएं। मैं क्या पाचन कर में सहायता, ठीक है। पेट स्टोर टिश्यूज के सिंथेसिस, शारीरिक विकास, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या रोग होते हैं? वेरिकोस, वेरिकोस वेन नहीं होता इससे। मैं तो वो एग्जांपल बता रही थी, ऐसी एक डिसीज होती है करके। महेशारिया जी, जो आपने डिसीज लिखी है ना, वो B3 का है, शरीर के इंजामुन, अच्छा एंजाइम से मिलकर विभिन्न क्रियाओं में भाग, ठीक है। जल्दी से विटामिन B3 का दूसरा नाम बताइए और उसके फंक्शंस और डेफिशिएंसी बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे अच्छी पाचन पाचन क्रिया में विकार आ जाता है, इसकी कमी से दस्त वगैरह हो जाते हैं। ठीक नियासिन, ठीक है नियासिन। इसको निको निको मुंह ना कोई ऐसा कुछ में, मुंह में क्या? परिवर्तन आ जाता है, जीभ में परिवर्तन आ जाता है, इसमें त्वचा स्किन डिसीज हो जाती है, कान और आंख के चारों तरफ परत हो जाती है, और यूरिन भी उसमें कम आता है, इसमें ये आप विटामिन लिवर बी थ्री का बता रही है कि B2 का बता रही है? B2। ठीक है कल्याणी जी, आप कुछ बोल रही थी अभी? हाँ मैं बोल रही थी इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं ना, और हाँ, इसका नाम पहले निकोटीन एसिड भी था, फिर उसके बाद ना समय के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि जो निकोटीन होता है वो अल्कोहल से रिलेटेड या पता नहीं किस चीज में और पाया जाता है, इसलिए उसका नाम निकोटीन से चेंज करके नियासिन कर दिया। मैंने जो पढ़ाया था उसमें इंट्रोडक्शन में ये चीज लिखी थी शायद, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी में प्लेग्रा, ठीक है, ये डिसऑर्डर होता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन B4 के बारे में, ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना शुरू कर रही हूँ। नियासिन की कमी से तो ग्लैग्रा हो जाता है। हाँ, वही बता रही थी मैं, विटामिन B3 की कमी से, ये विटामिन B3 है, इसकी कमी से होगा। आप किसी को जो, ये तो फंक्शन है, ये सोर्स है डेफिशिएंसी प्लेगा, ठीक है। अच्छा, एक ना रिकमेंडेड डेली जो अलावेंस होता है वो थायमिन, विटामिन B1 B2 और B3 का बताया गया है इसमें। तो किसी ने भी पूछा था ना, निकोटिनिक एसिड होता है ये, निकोटिनाइसिन और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। थायमिन जो होता है 0.5 mg पर 100 किलो कैलोरीज जरूरी होती है, ठीक है। तो सपोज टू से, मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि हम डेली वर्क, मतलब एकदम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, रेस्ट मोड में हैं, तो हम लोग को 2000 किलो कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए। तो हमें कितना थायमिन कंज्यूम करना चाहिए उसमें? 1 mg, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 1000 किलो कैलोरीज में। यहीं पे सेम चीज राइबोफ्लेविन के बारे में बताई गई है, इसको 0.6 कंज्यूम करना चाहिए, 0.6 mg पर 1000 किलो कैलोरीज, ठीक है। यहीं पे जब नाइसिन की बात की जाती है, देखिए इसकी अमाउंट कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, 6.6 mg पर 1000 किलो
किलो कैलोरीज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम विटामिन B5 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है पेंटोथेटिक थैनिक एसिड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप है ना, उसमें मतलब ऐसा हो जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर बुक में जब आप सर्च करोगे तो आपको सारे विटामिन्स, कभी की कोई बुक बोल रहा है इसमें सिर्फ 6 हैं, कोई कोई बुक में मेंशन है कि यहाँ पे 8 विटामिन्स के ग्रुप हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें 7 पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज विटामिन B5? विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर ह्यूमन लाइफ। इट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल एंड इट्स हेल्प कन्वर्ट द फूड यू ईटन इन टू एनर्जी। ठीक है, विटामिन B5 इज अ वन ऑफ द 8 विटामिन्स, 8 B विटामिन्स। ठीक है, मैं अभी बोल रही थी ना आप लोगों को कि कहीं पे कुछ दिया है कहीं पे कुछ दिया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय है कि इसमें कौन कौन से एक्सैक्टली आते हैं। ऑल बी विटामिन्स हेल्प यू टू कन्वर्ट द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट यू ईट इन टू एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कोएंजाइम्स के रूप में हेल्पफुल होता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर सके। ठीक है, तो विटामिन बी इज ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी स्किन, हेयर्स, आईज, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेसिफिकली एंड फॉर बी इम्यून। फाइव और बी विटामिन बी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये स्पेसिफिकली बी फाइव के लिए है जो फंक्शन है, या फिर बी विटामिन बी ओनली? विटामिन बी आर ऑल्सो नीडेड, शायद ये पूरे विटामिन बी के लिए फंक्शन बता दिया गया है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे एपिसोड्स। ठीक है, ये ना पर्टिकुलर नहीं है, ये सबके लिए बताया गया है। ठीक है, फिर भी इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक, मेकिंग रेड ब्लड सेल विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। एंड दो प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि इस हार्मोन के वजह से जैसे टेस्टोस्ट्रॉन हो गया और एंड्रोजन हो गया और एस्ट्रोजन और एक और कौन सा था, फॉलिकुलर FSH, तो ये सब जो हार्मोन्स होते हैं अगर इनकी कुछ गड़बड़ी हो गई हमारे शरीर में तो फीमेल्स में, मेल्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे थायराइड हो गया या फिर PCOS हो गया एंड स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन इन द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, द सोर्स ऑफ विटामिन B5, द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इनफ विटामिन B5 इज हेल्दी टू ईट हेल्दी बैलेंस डाइट एवरी डे। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल इंक्लूडिंग ब्रोकली, मेंबर्स ऑफ कैबेज फैमिली, व्हाइट एंड स्वीट पोटैटोस, होल ग्रेन सीरियल्स। ठीक है, इसमें और भी सोर्सेस थे, मैंने उसको मेंशन नहीं किए हैं, तो आप ये याद कर सकते कि कैबेज फैमिली जो होती है जैसे कॉलीफ्लावर हो गया और फूलगोभी, तो कॉलीफ्लावर हो, पत्ता गोभी, कैबेज हो गया, और फिर उसमें जो भी होती है वो सब इसमें आएगा। ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली फंक्शंस ब्रोकलीज जो हो गई, अब इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। ठीक है, क्या है? फंक्शंस एक सेकेंड, एक्चुअली क्या है ये, जो जिस बुक से मैं देख रही थी मुझे यहाँ पे इसका नहीं मिला था, तो मैंने इसको गूगल से किया था। एक बार हम लोग फंक्शंस भी देख लेते हैं, आप लोग यहीं पे बने रहेंगे। फंक्शंस ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन B5 का ना अकेले का फंक्शन नहीं बता रहा है कोई भी, ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई थी ना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, मैन्युफैक्चर ऑफ रेड, ये देखिए यहाँ पे बता दिया गया, विटामिन B5 इज क्रिटिकल टू मेक मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल एज वेल एज सेक्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस इन एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसके दो मेन फंक्शंस है, ये जो है एंटी, इसलिए इसको देखो यहाँ पे भी लिखा है, विटामिन B5 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इट हेल्प्स द बॉडी यूज अदर विटामिन, पर्टिकुलरली विटामिन B2। इट इज समटाइम कॉल्ड एंटी स्ट्रेस विटामिन। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको अपनी PPT में ऐड भी कर देती हूँ। तो
ये इसका फंक्शन हो गया। इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। इस चीज को सब लिख लेंगे अपने कॉपी में ताकि एग्जाम में आ गया कि ये कौन है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पर एंटी इसके स्ट्रेस। आगे मैम लिखा है कि देर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस वेदर इट हेल्प्स द बॉडी विथस्टैंड स्ट्रेस। ये तो फिर दो मत की बात कर दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे। एक बार मैं कल फिर से इसके बारे में पढ़ के आ जाऊंगी कि क्या है इसका, दो चार सोर्सेस से। ठीक है, मैंने जिन बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाती थी उसमें विटामिन B5 के बारे में दिया ही नहीं था। फिर मैंने सर्च किया इसको गूगल में, तब मुझे मिला, तो इसलिए इसके सोर्स जो है थोड़े अजीब गरीब हो रहे हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी एक बार देख लेते हैं। डेफिशिएंसी में भी सेम कंफ्यूजन है। इसमें ये बोला जा रहा है कि इट इज वेरी रेयर, अब ये US की स्टडी पे बोला जा रहा है, इट इज वेरी रेयर टू हैव विटामिन डिफिशियंसी इन द यूनाइटेड स्टेट। जनरली ओनली पीपल हु हैव माल नरिश्ड विल हैव विटामिन D5 डेफिशियंसी। अकॉर्डिंग टू मायो क्लिनिक, अ विटामिन B5 डेफिशियंसी इज अनलाइकली टू कॉज एनी मेडिकल प्रॉब्लम बाई इट सेल्फ। हाउएवर पीपल विथ विटामिन B5 डेफिशियंसी आर एक्सपीरियंसिंग अदर विटामिन डिफिशियंसी एट द सेम टाइम। अगर किसी को विटामिन B5 की डेफिशियंसी है, उस समय वो लोग अदर विटामिन की भी डेफिशियंसी जब अगर मतलब साथ साथ फेस कर रहे होंगे, तब उनको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? हेड एक, फटीग, इरिटेबिलिटी, इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें किसी स्पेसिफिक डिसीज का नाम नहीं बताया है कि आप अगर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको ये डिसीज होगी। और एक बार मैं एक बुक में टेबल बना हुआ है उसको देख के बता देती हूँ कि क्या उसमें कुछ लिखा है। ठीक है, इसमें ऐसे लिखा है, चर्म रोग, कम वृद्धि, सफेद बाल और अल्सर लिखा है। ठीक है, तो इसको कल हम लोग एक बार और क्लियर कर लेंगे कि क्या चीजें हैं इसके बारे में। फिर अब विटामिन B6 के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? पाइरोडॉक्सिन। द थ्री नेचुरल ऑकरिंग पाइरीडाइन डेरिवेटिव्स आर, इसमें तीन जिसके डेरिवेटिव्स है, पाइरोडॉक्सिन, पाइरोडॉक्सर और पाइरोडॉक्सामाइन आर नोन एज विटामिन B6। ठीक है, इसके तीन डेरिवेटिव्स है। फंक्शन, विटामिन B6 इज अ को फैक्टर फॉर सर्वल एंजाइम्स कनेक्ट विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये चीज हम लोग सब में पढ़ रहे हैं कि ये को एंजाइम्स के रूप में हेल्पफुल होते हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफिक एमिनो एसिड यानी प्रोटीन के बारे में बता दिया गया। इट इज ऑल्सो बिलीव टू हेल्प रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेंगे कि इसके दो फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड और दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। सोर्स, डाटा ऑफ विटामिन B6 कंटेंट ऑफ फूड आर वेरी लिमिटेड। हाउएवर पल्स, व्हीट, मीट आर नोन एज रिसोर्स व्हाइल अदर सीरियल आर फेयर सोर्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट आर रिलेटिवली पुअर सोर्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट, तो इन सम एविडेंस द पैराडोक्सिन रिक्वायरमेंट मे बी रिलेटेड टू प्रोटीन इनटेक। द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ एडल्ट वुड अपेयर टू 1.5 mg/day। कुकिंग लॉसेस इन नॉर्मल इंडियन डाइट आर नेग्लिजिबल, हेंस नो अलाउंस फॉर लॉस नीड टू बी मेड। और इन्फेंट्स मतलब 0 से 3 साल के बच्चों के लिए 0.4 mg इसका इंटेक होना चाहिए, वही एडल्ट्स के लिए 2 mg होना चाहिए और 2.5 mg फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सरिंग मदर, मतलब पोस्ट नेटल और प्री नेटल जो बात होती है ना, वही चीज है कि जो मदर प्रेग्नेंट है उसके लिए 2.5 mg और उसके बाद जब उनकी डिलीवरी भी हो जाती है तो भी उनको 2.5 mg जो है विटामिन B6 लेना चाहिए। डेफिशिएंसी में देखिए क्या क्या बताया गया है। पेरिफेरल न्यूराइटिस, एनीमिया, ग्लॉस्टाइटिस, सिलियोसिस। ये चीज जो है, सिलियोसिस जो है हम लोगों ने विटामिन B2 या B3 में एक और बार पढ़ा था। ठीक है, और सेबोरिक डर्मेटाइटिस आर सिमिलर टू अदर बी विटामिन्स। अच्छा, और फिर यहाँ पे एक और चीज बता दी गई है कि इसकी डेफिशिएंसी इंडिया में देखी नहीं गई है। ठीक है,
पर आप लोग फिर भी देख लेंगे कि एनीमिया ये सब चीजें इसके अंदर होती है। अब विटामिन बी नाइन, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड तो बहुत फेमस भी है, फॉलिक एसिड की लोगों को टेम्पलेट भी दी जाती है किसी किसी डिसऑर्डर्स में। फॉलिक एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड विच इज द वन ऑफ द बी विटामिन्स। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1941 एज ए ग्रोथ फैक्टर फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो ये जो फॉलिक एसिड है ये लैटिन वर्ड फॉलियम से आया है जिसका मतलब होता है लीफ, मतलब पत्ता। बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम स्पिनच लीफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये पालक की सब्जी में पाया गया था, मतलब उससे मिला था। और इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो फॉलिक एसिड की टेबलेट्स लेने से अच्छा पालक और मेथी इन सब का इंटेक बढ़ा देना चाहिए ताकि अपने आप फॉलिक एसिड हमारे शरीर में आ जाए। ठीक है, फॉलिक एसिड इस पाइथ्रो, इसमें पी साइलेंट रहेगा, क्या कोई इसको प्रोनाउंस करे? मेरी आवाज आ रही है? और यू इट इज रॉयल मोनो ग्लू ग्लूटामिक बस एक बार, क्या हो गया इसको? बस एक बार इस शब्द को फिर से बोलो। इट इज रॉयल। पीटर ऑयल। ठीक है, पीटर ऑयल मोनो ग्लूटामिक एसिड। इट वैसे ये चीज हमारे काम की नहीं है कि ये किसमें सोल्यूबल है किसमें नहीं, हम फंक्शंस में जाएंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिंगल कार्बन इन द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द बॉडी। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सारे जो बी विटामिन है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्पफुल है, तो ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड अलॉन्ग विथ विटामिन B12। ठीक है, तो ये किसका सिंथेसिस करता है? न्यूक्लिक एसिड का। फॉलिक एसिड अंडरगोज अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक कन्वर्शन टू इट्स वेरियस कोएंजाइम्स फॉर्म आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक कन्वर्शन में जाता है। सोर्स क्या है? जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ये पालक से सबसे पहले पाया गया है, तो इसका जो सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर्स, लेग्यूम्स, यीस्ट आर द रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। इट इज रिलेटिवली स्टेबल विटामिन, बट स्टोरेज एंड कुकिंग लॉस कैन बी हाई एज 50%। ठीक है, स्पेशली कुकिंग वाटर इज डिस्कार्डेड। देखिए, जैसे कि कहा नहीं जाता है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है या कोई भी वेजिटेबल है, इसको अगर हम लोग मतलब काटने के बाद धोते हैं तो उसके विटामिन निकल जाते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो तो वाटर में इजीली चले जाते हैं। तो सपोज टू से हमने पालक की सब्जी बनानी है और हमने उसको पहले काट लिया, फिर उसके बाद उसको पानी में डुबो दिया, तो आपने देखा होगा कि वो जो पानी है वो पूरा ग्रीन कलर हो जाता है, मतलब लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। मैंने भी अभी बहुत बार ट्राई किया है तो मुझे पता चला। तो उसमें जो है उसके सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। इसमें यही बताया जा रहा है कि इसके 50% जो विटामिन है वो कुकिंग से लॉस हो जाता है। ठीक है, सजेस्टेड इनटेक, दिस इज द सेम लेवल ऑफ फॉलेट इनटेक वुड बी 100 mcg। इसको माइक्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, पर डे फॉर एडल्ट एंड एडोलसेंट विथ 25 माइक्रोग्राम इन इन्फेंसी। ठीक है, तो 25 माइक्रोग्राम्स बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए 100 माइक्रोग्राम। यहाँ पे एक टेबल भी है जिसमें बताया गया कि कैसे इसका इंटेक करना है, कितना इंटेक करना है। अब इसकी डेफिशिएंसी देख लीजिए। द प्रोलॉन्ग एंड सीवियर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी लीड टू अबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड रिजल्टिंग इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया शायद वो एनीमिया को बोलते हैं जिसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी साइज बड़ी हो जाती है। और एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ। ठीक है, यस मैम, मेगालोब्लास्ट करेक्ट है, यही है। यही है ना कि इसमें क्या होता है, अब नॉर्मली लार्ज ब्लड सेल हो जाते हैं और फिर ये विटामिन B12 और B9 की कमी से होता है, तो इट इज एडवांस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे जो कल आज ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जैसे आपने फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए टेबल बनाई है वैसे इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। ठीक है,
इट रिस्पॉन्स मैम टू शेयर एवरी। करेंगे आप नोट्स? आज अगर आज विटामिन सी कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैं आज ये नोट्स शेयर कर दूंगी। और कल कौन सा डे है? कल सैटरडे है ना, तो कल का आपको पूरा टाइम मिलेगा कि आप लोग इसको और विटामिन मतलब पूरा कंप्लीट करो। और मंडे को मैं आप लोग का एक शॉर्ट टेस्ट लूंगी, इंस्टेंट टेस्ट, यहीं पे क्लास में आप लोग जुड़ेंगे और यहीं पे गूगल मीट, क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म आपको शेयर किया जाएगा। आपको क्लास में भी जुड़े रहना है, 10 मिनट के अंदर एग्जाम कंप्लीट करना है और वापिस आना है, ठीक है? सब टेस्ट के नाम सुन के शांत हो गए? गॉट इट मैम। ठीक है, तो विटामिन B12, साइनो कोबालमिन, इसको कोबालमिन, कोबालमिन, इसके नाम बहुत अजीब अजीब है। मैम एन विटामिन साइन रहता है इसमें, B12, कोबालीन कहलाता है। अच्छा क्या क्या सियानो क्या, बोलते हैं साइनो इसे, सियानो बोलते हैं, सियानो कोबालिन, कोबालामाइन, कोबालामाइन नहीं, एम कोबालमिन, साइलेंट होता है, कोबालीन होता है। कोबाल, एक एक बोलिए, कंफ्यूजन और मेरे को ऐसे इसमें नाम में कंफ्यूजन है। एक बार अच्छे से बताइए, कोई जो एन साइलेंट है बोल रहे हैं ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। साइनो कोबालिन। साइनो कोबालिन, ठीक है। तो जो साइनो कोबालिन होता है वो लास्ट मेंबर है हमारे विटामिन B12 का, ठीक है? ये डिस्कवर हुआ था 1948 में, हमें इसकी हिस्ट्री नहीं जाननी है तो इसको हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। इट कंटेन कोबाल्ट एंड फॉस्फोरस एंड इट इज रेड इन कलर, ठीक है? तो रेड इन कलर है, तो जितनी भी रेड चीजें होंगी इसमें इसका सोर्स होगा, ठीक है? इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल फूड एंड हायर प्लांट आर अनेबल टू सिंथेसिस, ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में पाया जाता है। उफ, तो वेजिटेरियंस क्या करेंगे इसके लिए? साइनो कोबाल्मिन इज कंसिडर्ड द मोस्ट पोटेंट विटामिन एंड इट इज वन ऑफ द लास्ट ट्रू विटामिन दैट हैज बीन क्लासिफाइड, ठीक है? फिर यहाँ पे इट वॉज डिस्कवर्ड थ्रू द स्टडी ऑफ पैरामीशियम एनिमा एनीमिया कंडीशन दैट बिगिन्स विद द मेगालोबास्टिक एनीमिया एंड लीड्स टू इनरिवर्सिबल डिजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट वॉज फाउंड इन द कंडीशन, ठीक है, इतना सब छोड़ देते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है? इट प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट हेल्प्स विद अ सर्टेन टाइप ऑफ नर्व डैमेज एंड ट्रीट पैरामीशियम एनिमा एनीमिया, ठीक है? तो पैरामीशियम एनीमिया जब होता है तो उसको विटामिन B12 का सोर्स मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उनको ये सब खिलाना चाहिए। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सर्वल को एंजाइम्स वेयर विच आर नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन, ये फॉलिक एसिड कौन सा नंबर का था, विटामिन B9, विटामिन B9 भी न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में जरूरी था, तो वो ये भी इसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है? इट मेटाबॉलिज्म एंड यूज इन द बॉडी इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉलिक एसिड, ठीक है? ये फॉलिक एसिड से क्लोजली रिलेटेड है। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल सेल, स्पेशली दोस बोन मैरो, द नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है? तो इसमें जो सबसे स्पेसिफिक टर्म और जो इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लग रहा है यहाँ पे वो ये है, इट इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल स्पेशली बोन मैरो, नर्वस सिस्टम एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है? सोर्सेस, द रिचेस्ट सोर्स आर लीवर एंड ऑर्गन मीट, मिल्क, एग, मसल मीट एंड फिश आर गुड सोर्स। तो वेजिटेरियंस मिल्क से इसका सोर्स कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट फूड डू नॉट कंटेन विटामिन B12, इट इज नॉट स्टेबल टू हीट एंड लाइट, हेंस प्रोसेस्ड फूड आर नॉट गुड सोर्स। फॉर एग्जाम्पल 10% लॉस इन पेस्टराइजेशन एंड 40 to 90% लॉस इन इवेपोरेशन ऑफ मिल्क। तो जो दूध है उसको उबालने के बाद अगर उसमें भाप निकलता है तो उस 40 to 90% इसका लॉस हो सकता है। अब इसकी डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड डिफिशियंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स सच एज सोर टंग, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। टिंगलिंग पता है आप लोग को क्या होता है? पल के झपकाना, वो तो टिंगलिंग ब्लिंकिंग के बाद होता है, ब्लिंकिंग टिंगलिंग होता है, ब्लिंकिंग को मतलब झनझनाहट।
हाथ पैर हो गए, एक सेकंड में बता देती हूँ। एक हमारे साइड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मतलब जब आप बहुत देर तक सुखासन या पालथी मार के बैठ रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं झुनझुनी पकड़ लिया पैर में, मतलब वो टिंगलिंग सेंसेशन उसी को बोलते हैं। झंझनाहट, झंझनाहट। झंझनाहट, वो हर टाइप अलग अलग बोलते हैं, तो वही है टिंगलिंग। ठीक है, अपैथी मेंटल एंड अदर नर्वस एब्डोमिलिटी। ठीक है, व्हेन देयर इज लैक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर द एसेंशियल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन पेरिनिशियम एनीमिया रिजल्ट। ठीक है, तो इन विच देयर इज डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे दो चीज नोट डाउन करनी है कि इससे पेरिनिशियम एनीमिया हो सकता है और इन विच देयर इज डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देयर इज लो लेवल ऑफ विटामिन B12 इन द ब्लड एंड इनएबिलिटी टू ऑफ न्यू RBCs टू डेवलप नॉर्मली रिजल्टिंग इन टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अगर ब्लड में विटामिन B12 का लेवल कम हो जाएगा तो जो न्यू RBCs है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसके रिजल्ट में क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। द कंडीशन कैन बी क्योर्ड बाय इंजेक्टिंग विटामिन B12 इंटरमस्कुलर, मतलब विटामिन B12 की अगर कोई इंजेक्शन ले तो ये कंडीशन मतलब फुलफिल हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग जब इसकी डेफिशिएंसी लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दो तीन चीजें लिखनी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, पेरिनिशियम एनीमिया भी होता है, डीजनरेशन इन स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, और ये वीकनेस वेट लॉस, तो ये सब चीजें भी होती है। ठीक है, और क्या बोलना था, ये हमारी लास्ट विटामिन थी, तो एक बार विटामिन सी को उस दिन एक मिनट ना, बस इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो है, इसको मैं बाद में करती हूँ। विटामिन सी उस दिन मैंने पढ़ाया था, पर वो थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ा दिया था, तो एक बार इसको आज थोड़ा सा अच्छे से देख लेते। देखो इसमें जो ये वाला स्लाइड है भारती, ये वाला जो स्लाइड है इसमें वो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो वो कॉलम बना हुआ है ना, उस पर डबल टिक कर दो तो फिर ये सेव हो जाएगा। उस पर जाओ, जो ऊपर सबसे यहाँ टाइप आ रहा है ना लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, उस पर डबल क्लिक करो। लेफ्ट साइड में रेड रेड, हाँ उस पर डबल क्लिक करो, हाँ तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं एक अभी बार ना, खोलने दो। अरे बोल बोल इसमें बोल। कुछ ये कुछ फंड्स की वजह से ये सेव नहीं हो पाते रहता है। ठीक है, वो अपने आप सेव हो जाएगा। मैं इसको पैक कर दिया। हाँ, इसमें से मुझे आप लोग को एक चीज बतानी थी, एक सेकंड बस वेट करेंगे, एक विटामिन बी के बारे में पढ़ाना था। डाइट एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन की कोई बुक नहीं दिख रही है, तो फिर कहाँ चले गए न्यूट्रिशन? फंडामेंटल एंड फूड एंड डाइट थेरेपी, ठीक है, इसमें से एक बार देख लेते हैं। इस बुक में से विटामिन सी हो गया, अब विटामिन नहीं सॉरी विटामिन बी तक पूरा हो गया, विटामिन सी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर इसको मैं पूरी स्लाइड कंप्लीट करके आज आप लोग को सेंड करती हूँ। कल आपकी छुट्टी रहेगी और आपको टेबल बनाना है, ठीक है, और परसों मंडे को टेस्ट है, सभी ध्यान से सुन ले, मंडे को टेस्ट है। मैम जो टेस्ट होगा हिंदी में भी होगा? हिंदी में, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, हिंदी में भी लेने की, ठीक है मतलब ठीक मेरी है ठीक हिंदी टाइपिंग बहुत गंदी है और मुझे मतलब बहुत मेहनत लगती है उसमें, तो दिक्कत हो जाएगी हिंदी टाइपिंग में, पर मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। कहाँ थे हम लोग, कहाँ से खुला था वो चीज, ये ठीक है, ये आप लोग को प्रेजेंट हो रहा है आप लोग के स्क्रीन पे। हाँ जी, ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड वॉज आइसोलेटेड एंड इट्स क्लेमिकल स्ट्रक्चर, ये उसकी हिस्ट्री फिर से बता दी गई कि 1932 में ये पाया गया था। इट्स लैक इन ह्यूमन डाइट हैज बीन लॉन्ग बीन नोन कॉज ड्यू टू स्कर्वी। ठीक है, तो इसमें जब डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी नामक डिजीज होता है। ठीक है, ये पहले इन लोगों ने बता दिया। इन द ओल्डन डेज द सेलर टू होम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल फॉर मेनी डेज ड्यूरिंग लॉन्ग वॉगर्स एट द सी डेवलप्ड। ठीक है, जो पहले जमाने में समुद्र में जो जाते थे और जिनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं मिलते थे, जो बहुत बहुत दिन तक मतलब
समुद्र की यात्रा करते थे उनको ये डिजीज होता था, ठीक है। इट इज रिपोर्टेड दैट 100 आउट ऑफ 180 मेन हु सेल्ड इन द वास्को डी गामा डाइड ऑफ स्कर्वी बिफोर इट रीच टू इंडिया, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि एकदम मुझे डीप याद नहीं है, पर वास्को डी गामा ही एक ऐसा इंसान था जो हमारे इंडिया में पहली बार आया था। तो उस समय वो 180 मैन के साथ आ रहा था, जिसमें से 100 पीपल स्कर्वी की वजह से डाइड हो गए, ठीक है। तो स्कर्वी क्या है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, विटामिन सी डी होता है, इसको फ्रेश फ्रूट विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज क्लोजली रिसेम्बल्ड इन ग्लूकोज इन स्ट्रक्चर, विटामिन इज वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस। ये सब चीजें नहीं पढ़नी हमें। फंक्शन, एस्कॉर्बिक एसिड परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन बॉडी। इट इज द पार्ट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल विच होल्ड द बॉडी फर्मली इन द प्लेस, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं अच्छे से हेड हाईलाइट कर देती हूँ इसको। इट इज द पार्ट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल विच होल्ड द बॉडी फर्मली इन द प्लेस, दस इट प्लेस ए रोल टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग टिश्यू इन जनरल, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन, कार्टिलेज, डेनाइन, कोलेजन, ठीक है। तो ये क्या क्या का निर्माण करता है एक बार फिर से देख लेंगे। मेंटेन स्ट्रॉन्ग टिश्यू इन जनरल, स्पेशली बोन्स, कार्टिलेज, डेनाइन्स, कोलेजन, ठीक है। ब्लड वेसल टिश्यू डिपेंड्स ऑन विटामिन सी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कैपिलरीज वॉल, ठीक है। तो जो ये स्ट्रॉन्ग कैपिलरीज वॉल भी होती है, ये विटामिन सी के वजह से ही होती है और वो उसी पे डिपेंडेंट होती है। अब और देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। इसके फंक्शन बहुत सारे बताए हैं। विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ प्रोटीन और टिश्यू सिंथेसिस, ठीक है। तो ये टिश्यू सिंथेसिस का जब रोल होता है, उसमें विटामिन सी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में काम करता है। नेचुरली इट इज नीडेड इन ग्रोथ स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेजेस ऑफ लाइफ हमारी कौन से, कितने साल तक हमारी ग्रोथ होती है, हाइट वाइट बढ़ता है, 18 साल या फिर 20 साल तक, आप समझ सकते हैं। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी आर फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस इन देयर फंक्शन, ठीक है। दिस इंक्लूड ब्रेन, लीवर, किडनी, पेनक्रिया, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस एंड स्प्लीन। इट हेल्प्स टू बिल्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। इट हेल्प्स इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एंश्योर दैट हेल्दी हेल्थ ऑफ बोन्स। बाई एडिंग अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, इट मेक्स अवेलेबल ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। इसके कितने ज्यादा फंक्शन है, ये अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन करता है, इट मेक अवेलेबल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड इट इज नीडेड इन वुंड हीलिंग, ठीक है। घाव भरने के लिए भी ये हेल्पफुल है। इन्फेक्शन एंड फीवर टू हेल्प रिकवरी। यहाँ पे फीवर लिखा है तो मुझे एक चीज याद आई, आप लोग को याद है कोविड टाइम पे बोला जाता था कि विटामिन सी का इंटेक कीजिए, विटामिन सी का इंटेक कीजिए, हाँ जी मैम, ठीक है, ये इसलिए कहा जाता था। बींग ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज हेल्प टू टाई अप फ्री रेडिकल्स एंड डस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम, क्या है, डिलीटेरियस इफेक्ट। एक बार देख लेते हैं ये डिलीटेरियस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद इसके सोर्सेस पढ़ेंगे। मतलब उसका खराब इफेक्ट। अच्छा ठीक है। तो आंवला जो होता है, जिसको नीली काई ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी, इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विओसिट, ये कहीं और, विच कंटेन 600 mg पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट्स। ग्वावास, कैश्यू, एप्पल कंटेन 200 to 300 mg ऑफ पर 100 ग्राम, ठीक है। सिट्रस फ्रूट सच एस ऑरेंज, स्वीट लाइम, ग्रेप फ्रूट और ये पोमेलो, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्रूट होता है, आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ड्रम स्टिक ऑल्सो हैव ए हाई एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट, ठीक है। तो लिफी वेजिटेबल सच एज ड्रमस्टिक, अमरनाथ, कैबेज, विच आर फ्रिक्वेंटली अवेलेबल, आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये अमरनाथ उसको भी बोलते हैं जो अभी कर्नाटक साइड रहते होंगे,
जिसको राजगीरा सब्जी बोलते हैं ना, राजगीरी, या फिर महाराष्ट्र साइड भी जो लोग होंगे राजगीरा या चौलाई भाजी जो है उसी को अमरनाथ भी बोला जाता है, ठीक है। और हमारे जब हम लोग पथिया पथ्य पढ़ते हैं हर प्रदीपिका में, तो वो चौलाई मेघनाथ पांच सब्जियों के नाम है ना, उसमें जो चौलाई है वही अमरनाथ है, ठीक है। स्प्राउटेड पल्सेस सच एज बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम आर गुड सोर्सेस एंड हैव बीन प्रूव्ड। ये बंगाल ग्राम जो है वो उसी को बोलते हैं ना, काला चना को, यस मैम, और ये ग्रीन यस, ग्राम हमारा मूंग ना, हरा चना मैम। हरा चना। अच्छा तो मैम पोमेलो जो होता है ये चकोतरा होता है, जो ऑरेंज की तरह बड़ा होता है, नींबू उससे बड़ा, क्या चीज, क्या चीज, येलो कलर का, येलो कलर पोमेलो, का। पोमेलो। अच्छा, ठीक है, मैंने हाँ आज तक जी, इस नहीं साइड देखा इसको अभी। किन्नू बोलते हैं, किन्नू बोलते हैं अच्छा इसको। किन्नू, नहीं किन्नू अलग होता है, ये ये येलो कलर का लेमन, होता है, लेमन की तरह बहुत हाँ बड़ा जी होता है लेमन साइज की तरह इसका, बहुत एक बार बड़ा, इसको जितना साइज कंप्लीट कर है लेते हैं, फिर एक इसका बार गूगल आकार रिसर्च बड़ा। करेंगे, ठीक है। फोटो सब साथ में, रुक जाइए रुक जाइए, इसमें दो तीन चीजें के नाम मुझे नहीं पता। तो ये सब इसके फूड सोर्स थे, स्टेबिलिटी हमारी काम की चीज नहीं है तो स्टेबिलिटी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है, टमेटोज में भी है, पेटोटिस में भी है, अदर बीन्स में भी है, ड्रम स्टिक लीफ में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है, और इधर साइड में देखेंगे तो आंवला में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में है, ठीक है। और अगर आप गुआवा भी कंज्यूम, लेमन, कहाँ गया लेमन, लेमन में 64 है लाइन, अच्छा और लेमन कहाँ है, 45 है लेमन में तो। हाँ तो मैं ये बता रही थी, अगर आप एक सिंपल सा गुआवा कंज्यूम कर रहे हैं और वो तो बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, तो उसमें 210 to 300 mg/100 ग्राम मिलेगा। तो एक गुआवा तो 100 ग्राम का ही होता है, उससे मतलब उससे छोटा भी होता होगा, पर आपको अच्छा खासा जो है सिट्रस फ्रूट मतलब विटामिन सी मिल जाएगा, ठीक है। ये फोटोज बता दी गई है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। एस्कॉर्बिक एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, द रिक्वायरमेंट हैज टू बी सप्लाइड डेली, इवन इफ द एक्सेस इज इनडाइजेस्ट। अगर ये तो सारे विटामिन में है कि किसी भी विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन को आपने एक्सेस में भी ले लिया तो वो आपके शरीर से यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। द रिकमेंडेड डेली अलाउंस इंक्रीजेस विद द एज, 20 to 40 ग्राम, 20 to 40 mg फॉर चिल्ड्रेन एंड, और 40 mg पर फॉर एडल्ट, ठीक है। एज इनटेक 80 mg पर ग्राम इज पर डे इज रिकमेंडेड फॉर नर्सरिंग मदर, मतलब जो पोस्टनेटल मदर होती है उन लोग के लिए 80 ग्राम बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल भी बताई गई है। डेफिशिएंसी एक बार देख लेते हैं, इफ एस्कोर्बिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशियंट अमाउंट, द सीमेंटिंग मटेरियल इज नॉट फॉर्म्ड इन एक्वेट अमाउंट, ठीक है। इसको जैसे स्टार्टिंग में बता दिया गया था सीमेंटिंग मटेरियल, तो ये फॉर्म नहीं होगा। टीनी ब्रेक्स ऑकर इन द वॉल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल एंड हिमोरेजिस रिजल्ट, द टिश्यू ऑफ गम बिकम टेंडर एंड ऑफन ब्लीड, इन सीवियर केसेस सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट बिकम स्वॉलन एंड पेनफुल, इट इज जनरली वीकनेस, लैक ऑफ एपेटाइट, थिकन स्कैल्पी स्किन, स्पॉन्जी गम, हिमोरेजिस इन बॉडी टिश्यू, अदर सिम्टम ऑफ स्कर्वी, ठीक है। मेन तो इसमें स्कर्वी होता है, इतना डीप नहीं पूछेगा। दिस कैन रिवर्स बाय इंक्लूडिंग बेटा एस्कॉर्बिक एसिड फ्रीच फूड इन द डाइट, ठीक है। ठीक, एक बार और एक और सोर्स से इसको पढ़ लेते हैं, मतलब एक कहा गया डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप डाइट, इसमें से ही मैंने आप लोग को जब पहली बार पढ़ाया था तो इसमें कुछ और भी लिखा था, उस चीज को एक बार देख लेते हैं फिर इसको खत्म करेंगे। इसको फ्रेश फ्रूट विटामिन भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये चीजें जब आप टेबल बनाएंगे तो इसको नोट डाउन करते जाएंगे। व्हेन वी आर फ्रेश वी हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन सी। सपोज टू से कि मैं आज तुरंत आज ही का टूटा हुआ पालक लेके आ रही हूँ, तो उसमें इनफ विटामिन सी रहेगा, और उसको मैंने फ्रिज में भर दिया, 10 दिन बाद बना रही हूँ, तो उसका जो विटामिन सी है वो अपने आप खत्म होने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंक्शन बता दिया गया है,
प्लेस ए रोल इन हीलिंग वुड, एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हेल्प्स इन ओवरकम ऑफ इंजुरी. ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कोलेजन. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सीधा विटामिन सी दे दिया जाएगा और आपको मैच द कॉलम रहेगा, सामने में कोलेजन रहेगा, तो आपको ये चीज लिखनी है. ठीक है, द ओ शिट, ये क्या हो रहा है. ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन इज द साइट ऑफ वुंड एंड इंजुरी एड्स इन हीलिंग. ठीक है, एक चीज और बताइए कि कौन सा ऐसा और विटामिन था जो जब आप लोग को इंजरी होती है तब वो. विटामिन के तो ये जो सीमेंट की तरह बात बोली गई है ना, वो कोलेजन के लिए बोली गई है. ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन रख करेंगे. बाकी मैं आप लोग को आज एक अच्छी सी मतलब इसको पीपीटी बना के दे दूंगी. और ये क्या हो रहा है ये. एक सेकेंड बस. ठीक है, ये समरी भी दी गई है, इसको भी इसमें लगा के दे देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि इसमें क्या है, सोर्सेस ऑफ फंक्शन है और ये वाटर सोल्यूबल का है. तो ये सब मैं आप लोग को बना के कुछ देर बाद अभी सेंड कर देती हूँ. ठीक है, इससे आप लोग को क्लियर रहेगा कि इसमें क्या चीजें होती है और क्या है बीटा कैरोटीन, कोएंजाइम्स, बस नई चीजें. ठीक है, एक चीज और रह गया है बताने को जो कि मैं भूल चुकी थी, पर टेस्ट तो मंडे को ही होगा. कहाँ गया ये, कैसे, सॉरी. ठीक, मैं प्रेजेंट करना ऑफ करती हूँ. रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं आप. मीटिंग के जो भी होस्ट हैं वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए.